तीन महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिली। एक, अमित शाह ने जिस तरीके से शरद पवार पे तीखा हमला किया और उनको महाराष्ट्र के ऊपर बोझ बताया। दूसरा, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने बीजेपी झुकती हुई दिखाई पड़ रही है लेकिन अजीत पवार को इग्नोर करती दिखाई पड़ रही है। तीसरा, लंबे समय के बाद उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच में चुनावी गठबंधन की तैयारी चल रही है। तो समर जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि यह तीनों घटनाएं क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? और अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की मनस्थिति को आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय जो नजर आ रही है वो जबरदस्त तरीके से डरी हुई नजर आ रही है। उसे ये लग रहा है कि उसे बहुमत भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये है कि वो ये दिखा सकती है कि उसका वोट शेयर 50% है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको सीटें बहुमत की मिल जाएंगी। जो स्थितियां हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो अमित शाह का शरद पवार जैसे व्यक्ति पर किया गया हमला है। शरद पवार को तोड़ने की पूरी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की रही हैं पिछले महीनों में। अडानी के साथ उनकी मुलाकातें, प्रधानमंत्री का उनके प्रेतक स्थान पर जाना, उनकी किताब का विमोचन, कई अटकलें कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिल रहे हैं, नहीं मिले फिर वो, और उसके बाद शरद पवार क्या पूछते हैं। जलगांव में थे वो दो दिनों के लिए, महाराष्ट्र में थे और जलगांव में उनका कार्यक्रम था, तो वहां वो पूछते हैं कि विपक्ष पीएम के 10 साल का हिसाब मांग रहा है। मैं शरद पवार से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता पिछले 50 साल से आपका बोझ उठा रही है, कम से कम 5 साल का हिसाब तो जनता को दीजिए। ये अमित शाह शरद पवार से कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं अमित शाह, जो पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं है वंशवादी है, क्या ऐसी पार्टियां लोकतंत्र कायम कर सकेंगी देश में? सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं, उद्धव ठाकरे आदित्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता भतीजे को बनाना चाहती हैं मुख्यमंत्री, और स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपके लिए अगर कोई है तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी है, ये अमित शाह कहते हैं। आप सोचिए कि फिर उसके बाद शरद पवार को क्या करना चाहिए। शरद पवार कहते हैं कि अमित शाह पूछते हैं कि तुमने क्या किया बताओ। अमित शाह को साहब ने, साहब मतलब नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह को साहब ने कई साल पहले दिल्ली में बता दिया था कि मैंने क्या किया और अभी तक क्या नहीं किया। मैं सिर्फ जेल मात्र नहीं गया। आप सोचिए कि कितना बड़ा हमला उन्होंने अमित शाह पर किया है कि एक फर्जी एनकाउंटर के सिलसिले में कोर्ट के आदेश पर अमित शाह को जेल जाना पड़ा था जी। और शरद पवार जैसा व्यक्ति जवाब दे रहा है कि मैंने सिर्फ एक काम नहीं किया, जेल नहीं गया। अमित शाह को ये याद रखना चाहिए, जो सहकारी संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लोगों को बाहर नौकरी के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साहब ने देश में और राज्य में जो कुछ किया है वो शरद पवार के कारण किया है, और वो बताते हैं कि कितने आईटी पार्क्स, कितने एमआईडीसी सेंटर्स उन्होंने महाराष्ट्र में स्थापित किए। मुद्दा यह है कि ये अमित शाह को इस तरह का हमला करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या बीजेपी ने मान लिया है कि उन बीजेपी की हालत खराब है महाराष्ट्र में? क्या मान लिया है कि बंगाल में खराब है, तमिलनाडु में खराब है? 48 सीटें हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।